हेलो फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ कल की रणनीति यानी कि कल मार्केट कैसे रह सकता है, क्या आपको कॉल साइड में बैठना चाहिए या आपको बैठना चाहिए पुट साइड में, इनके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा बातचीत करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा पूरा वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाय फोर्स नहीं है कि सबसे पहले आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप एक दो दिन तक देखिए, अगर हमको हमारा टेलीग्राम चैनल का ये पोस्ट अच्छा लग रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कोई पेड सर्विस नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, क्लियर स्टॉप लॉस के साथ आपको कॉल दिया जाता है। तो आई थिंक ऐसे कॉल आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं जिनका डीमैट अकाउंट हमारे अंडर है उनको कितनी बार कॉल दिया गया था आज का पूरा दिन में, उसका समारी भी यहाँ दिया हुआ है और साथ में आप लोगों को जो कॉल दिया गया था उस टेलीग्राम चैनल पे उसका समारी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल का समारी है। इस तरीके से समारी बनाकर फ्री टेलीग्राम चैनल कोई देता है क्या आपको? तो चलिए इतनी बातों पे नहीं चलेंगे, हम सीधा चलेंगे कल मार्केट कैसे रह सकता है। तो बहुत क्लियर चार्ट मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए आप भी। अगर खुद से ट्रेडिंग करना है, खुद को आपको ट्रेडिंग सीखना है तो फ्रेंड्स ये है टेक्निकल चार्ट। और इस टेक्निकल चार्ट में हम निफ्टी की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटरडे चार्ट में, हम देख पा रहे हैं ये कंटिन्यू एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मैं पिछले दिन क्या बात किया था कि इस रेंज से ऊपर चलेगा तो यहां से 15,000 का लेवल आपको दिखाई देना चाहिए। आज इस लेवल से ऊपर क्यों नहीं गया है? देखिए ग्लोबल मार्केट अच्छा है, ग्लोबल मार्केट में कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस का स्थिति हर रोज कदम पे कदम बढ़ते हुए चल रहा है, जिसका वजह से सुबह उठने से पहले नया केसेस या नया कितने डेथ ये सारे चीज जब सामने आ रहा है तब इंडियन मार्केट डर के डाउन हो रहा है। फिर हो सकता है कल, देखिए कल बाहर का ग्लोबल का मार्केट का संकेत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा गैप अप हो गया, गैप अप होकर मार्केट को उल्टा घुमा दिया। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि किस लेवल के नीचे आपको ट्रेड करना है, किस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है। जब मैं लाइव में आया था आज जब मैं 11:30 बजे लाइव में आया था तब आप लोगों को क्या समझाया गया था, मैंने यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को लेवल दिया था। क्या लेवल दिया था जरा याद कीजिए जिन लोग लाइव में थे, 14,550 to 55। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड रहिएगा, इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे सेल साइड रहिएगा। वहां से कितनी पॉइंट का तेजी हम देख पाए हैं, क्लियर 100 पॉइंट का तेजी इसके बाद मार्केट में दिखाई दिया है। अब आगे हम कल क्या करेंगे, चलिए दोस्त देखते हैं कल के लिए क्या रेसिस्टेंस क्या सपोर्ट रहेगा। तो आपको क्लियरली ध्यान देना है ये जो प्रीवियस जो एक लेवल दिखाई दे रहा है इस रेंज के अंदर निफ्टी फंसा हुआ था, अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ठीक है, मान लो यहां से छोटी सी गैप अप यानी कि 14,700 के ऊपर ओपन हो रहा है, आपको ये देखना है 1 मिनट ये ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट ये ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। अगर ग्रीन बन के ऊपर जाता है तो आप उसी वक्त आपका जो कॉल में काम करना है उस कॉल में ध्यान देंगे। मान लो आपको ध्यान देना है 14,750 कॉल पे, यहाँ पे कॉल का चार्ट लगा लीजिए। अब देखिए कि इस कॉल का फर्स्ट कैंडल, ओके सपोज एग्जाम्पल कि इस कॉल का जो फर्स्ट कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है कि ये बना हुआ है, ये 1 मिनट है, 1 मिनट, ओके और 1 मिनट में इस कैंडल का जो हाई रहेगा ये आपने मार्क कर लीजिए। ये देखो हर रोज के लिए ये एक सिस्टम काम नहीं करता है, ये मैं कल के लिए बता रहा हूँ। कल के लिए अगर इसे रहता है तो इसका हाई के ऊपर आपको बाइंग करना है, इसका जो लो रहेगा ये आपको स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर 1 मिनट का ही लो अगर 20-30 पॉइंट्स का हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, ओके तो थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो सिचुएशन मैं बताया हूँ। अब मान लो गैप डाउन हुआ है, अब गैप डाउन किस लेवल से नीचे आपको ट्रेड करना है, 14,580। अगर इसके नीचे ओपन होता है और इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो आप यहां पे क्या देखेंगे, एक पुट देखेंगे। मान लो कि आपने एक 14,600 का पुट ध्यान दे रहे हो और इसके ऊपर आपको देखना है कि ये 1 मिनट के कैंडल पे क्या इससे ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर जाएगा, अगर इसके ऊपर चला गया है तो यहाँ पे हम इसको बाइंग साइड में रहेंगे, क्लियर। अब मैं आपको क्लियरली लेवल दे देता हूं
निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का कौन कौन सी लेवल के ऊपर हमें क्या करना है। तो निफ्टी का जो फर्स्ट रेसिस्टेंस का जो लेवल है, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर दिया हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर निफ्टी 14,700 और 14,720 ये दो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबल होता है, चलना शुरू कर देता है, तो फिर एक पॉजिटिवनेस आ सकता है जो दौड़ आपको लेके जा सकता है 14,800 के करीब। सबसे पहला कहां तक देखना चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो निफ्टी का रेंज वो आपको 14,780। ओके, क्लियर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट में। तो हमने बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे क्या लेवल आपको इंपॉर्टेंट है, दोपहर को मैं क्या लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, जिन्होंने लाइव वीडियो नहीं देखे हैं वो लाइव वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, जिन लोग बेल आइकन नहीं दबा के रखेंगे उनको शायद जब मैं लाइव में आऊंगा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मैं जिस दिन थोड़ा सा फ्री होता हूं मैं आप लोगों के साथ लाइव में आने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के तमाम सवाल का जवाब देने का कोशिश करता हूं। कल जब हम डेमो क्लास में बैठे थे तो हरप्रीत माइंड का किसी ने क्वेरीज पूछा था, मैं एक को क्या बताया था, बिंदास बाइंग साइड में रहिए आप। पिछले संडे को जब मैं डेमो क्लास में आया था तब किसी ने पूछा था एशियन पेंट, मैं उनको पिछले संडे का व्यू क्या दिया था, बिंदास होके आप। ओके, तो ये एनालिसिस खुद से भी आपको इसके अंदर बहुत बड़ी कोई क्रिटिकल चीज नहीं है, आप एक सेटअप के साथ चलिए, एक चीज को फॉलो कीजिए, देखेंगे हर हमेशा एक पिन पॉइंट की तरह आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों इसके अंदर। ओके, बट आपका माइंड सेटअप, माइंड कूल होना चाहिए तब जाके ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी का रेंज बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 32,800 अगर ब्रेक होगा, कैश की लेवल है ये, तो इसके ऊपर आपको एक मोमेंटम दिखाएगा, इस लेवल से नीचे चलेगा तो एक डाउनफॉल दिखाएगा। बहुत क्लियर पिक्चर है। अब इसके बाद रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या बनेगा, देखिए 42,800 के ऊपर अगर सस्टेनेबल होता है तो जो नेक्स्ट लेवल जा सकता है ये आपको जा सकता है 33,150। बहुत क्लियर लेवल 33,150 जो मैं आज वॉइस मैसेज के साथ आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे दिया था, अगर 33,150 डाउन होगा तो यहां से और गिरावट मिलेगा। तो इस तरीके से टेलीग्राम चैनल है दोस्त, तो जिन लोग टेलीग्राम चैनल पे है और इनका सेवाएं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपका दोस्तों से इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये निशुल्क सेवाएं मिल पाए। जिन्होंने हमारा एडवांस क्लास का सीट बुक करते हैं 2000 से, आई थिंक इंडिया में ये एक ही होंगे सरकार ट्रेडर्स जो कि आपको 2000 से सीट बुक करा के 5000 प्रॉफिट करा के फिर 7000 का फीस के साथ आपको कोर्स कराता है। जैसे ही आप 2000 से सीट बुक करते हैं तो आपको इस ग्रुप में जोड़ लिया जाता है, एवरी डे इस प्रकार का एक परफेक्ट कॉल दिया जाता है जहां पे काम करके आप प्रॉफिट अर्निंग करके क्लास कीजिए। अब देखे होंगे इनको मैं कब कॉल दिया था, 9:21 में सबसे पहले, और उसके बाद 9:21:30 में टाटा स्टील, 9:21:50 में टाटा स्टील को बाय करो लिखा था, और 9:22 में टाटा स्टील का टारगेट दे दिया था, 9:24 में टाटा स्टील टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया था, 25 मिनट में टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया था। इस तरीके से कॉल आपको भी मिलेगा अगर आप कोर्स के लिए सीट बुक करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई पेड सर्विस ग्रुप नहीं है। प्लीज, बहुत सारे लोग पेड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो पेड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए। मार्केट और डाउन जा सकता है, बिल्कुल डाउन जा सकता है, क्योंकि जो कोरोना का स्थिति हर रोज नए नए न्यूज सामने निकाल के आ रहा है, वो न्यूज अगर हावी हो गया है तो मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ से लोगों को आदत पड़ा हुआ है, सर हमने तो कॉल बाय करके बैठे हुए हैं, सर हमने तो पुट बाय करके बैठे हुए हैं। तो हमारे चैनल पे मैं हमेशा कंटिन्यू आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स, रात की अंधेरे में ट्रेड मत कीजिए, दिन में जगते हुए ट्रेड कीजिए। अंधेरे में ट्रेड कर रहे हैं यानी कि आप सट्टा खेल रहे हैं, और दिन में ट्रेड कर रहे हैं यानी कि आप सीखे हुए तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। शायद किसी भाई को मेरी बात सुनने में बुरा लग रहा होगा, अगर बुरा लग रहा है तो सॉरी। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमें क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन चेन हमें देखना कैसे है। देखो, अभी कुछ ऑप्शन चेन के ऊपर डेटा निकाल के मैं बता दूंगा तो कल सुबह बदलता हुआ दिखाई दे देगा। होता ऐसे है, न्यूज
एक होता है न्यूज बेस्ड मार्केट, एक होता है एनालिसिस बेस्ड मार्केट। तो न्यूज बेस्ड मार्केट एनालिसिस बेस्ड मार्केट को पूरा घुमा देता है। फिलहाल की जो स्थिति है ये आपको क्लियर स्थिति है कि 14,700 आपको रेजिस्टेंस बन रहा है, 14,600 आपको रेजिस्टेंस बन रहा है। ये जो दो रेजिस्टेंस अगर इनको पार करेगा तो आपको 14,800 जाएगा। जो नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये चीज, तो ये होता है कॉल साइड, यानी कि जो हम सी बाई करते हैं। और कॉल साइड के अंदर ये होता है आपको स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो आप बाई करते हो 14,500 का कॉल, 14,600 का कॉल, 14,700 का कॉल। तो इसका आगे ये जो एलटीपी प्राइस है यहाँ पे आपको उसका प्राइस दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे आपको उसका प्राइस दिखाई देता है, किस प्राइस में चल रहा है आज का दिन में, कितना ये गिर गया है कि कितना चढ़ गया है। ओके, और ये पुट साइड होता है, यानी कि जो आप पीई बाई करते हैं और पीई में ये आपको प्राइस रहता है, और ये रहता है आज का दिन में कितना इस प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे रहता है वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, और वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे रहता है कितना इसमें चेंज हुआ है, मतलब कितने लोग फ्रेश बाइंग सेलिंग इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि टोटल कितने लोग किस पोजिशन में सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक, ये है पूरा ऑप्शन चेन का कंसेप्ट। अब इसके अंदर हमें एनालिसिस करके देखना पड़ता है जिस जगह पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है ये आपको रेसिस्टेंस का काम करता है। अगर इसके साथ कंपेयर करना पड़ता है पुट साइड को, अगर पुट साइड में इसके साथ कंपेयर करने के लायक, लड़ाई करने के लायक कोई फिगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको बन जाएगा सपोर्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कॉल साइड में भारी फिगर दिख रहा है, पुट साइड में कोई फिगर नहीं है, यानी कि फिलहाल तक अभी तक एज पर ऑप्शन चेन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, मैंने बहुत क्लियर समझाया हूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों है, मार्केट को घुमाने के लिए कौन है। तो आपको अगर सुबह सुबह परफेक्ट दिशा देखना है तो एक बार एग्जिट निफ्टी देखिए, ताकि वहां से आपको पता चलेगा मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। उसके बाद 5 मिनट का इंतजार कीजिए मार्केट किस तरफ घूम रहा है, बाइंग साइड घूम रहा है या सेलिंग साइड घूम रहा है। यहाँ पे देख के हमें जो चीज दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है 33,000। मतलब देखो, जो अगर मैं क्लियर एक निष्कर्ष निकाला जाए एज पर ऑप्शन चेन, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा एज पर ऑप्शन चेन, एज पर ग्लोबल मार्केट, जो मार्केट थोड़ी सी गैप अप हो सकता है, गैप अप होके एक हाई को रेसिस्टेंस बना के वहां से गिर सकता है। अगर इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिव न्यूज कंटिन्यू जारी रहा तो एक गैप अप बनी होके मार्केट वहां से गिर सकता है। तो आई थिंक समझदार आदमी को इशारा काफी है कि जिन्होंने कॉल साइड बाय कर रखे उनको क्या करना होगा, जिन्होंने पुट साइड बाय कर रखे उनको क्या करना होगा। जिन्होंने पुट साइड बाय कर रखे हैं तो सुबह का 15 मिनट का हाई या 5 मिनट का हाई देखिए, उसके ऊपर अगर ब्रेक नहीं होता है तो वहां से गिरेगा, आपको प्रॉफिट होगा। जिन्होंने कॉल बाय कर रखे हैं उन्होंने क्या करेंगे, गैप अप ओपन होते ही 1 मिनट का हाई या लो को देखेंगे, अगर लो को ब्रेक कर देता है अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ओके फ्रेंड्स, बहुत क्लियर बात। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरा ये चैनल, मेरा ये बातचीत, मेरा ये लेवल आपको बेहतरीन लग रहा होगा। अगर बेहतरीन लग रहा है तो आप लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें। आज मैं एक ही स्टॉक आप लोगों को इक्विटी के ऊपर प्रोवाइड किया था उस टेलीग्राम चैनल पे, वो था अदानी एंटरप्राइज। और अभी भी आप देख पा रहे हैं इतनी गिरावट के बाद भी अदानी एंटरप्राइज का लेवल कहां पे चल रहा है। ओके, तो आगे आने वाले दिन में आप अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट, इन दोनों स्टॉक के ऊपर ध्यान रखिए। टाटा स्टील एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, लेकिन और ज्यादा तेज शायद इसमें नहीं रह पाएगा आगे टाइम पे, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर मार्केट में गिरावट आता है, देखो जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आपको क्लियर कुछ नहीं मिलेगा जब कितना गिरेगा, लेकिन कल के दिन में अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर से ब्रेक करके चलना शुरू कर देता है, तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, इसको भी एक बार जिक्र कर देता हूं कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल डाउन साइड में क्या हो सकता है। तो फिर से अगर डाउन ट्रेंड आना शुरू होता है तो फर्स्टली लेवल हैगा ये। ओके, फर्स्टली लेवल होगा ये। देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस समझने का कोशिश कीजिए, आज तो जो लो बनाया था वो लो को सपोर्ट लेने का वजह क्या है, अब फिर से अगर ये लो ऐसी तरीके से चलता है तो फिर लो कहां तक जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप अगर खुद से सीख के ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा 10 अप्रैल का क्लास मिस मत कीजिए। क्लास चलते चलते आप लोगों को कॉल दिया जाएगा तो कि आप उसी कॉल में अर्निंग करके क्लास भी कर सकेंगे। क्लास का सीट बुकिंग फीस 2,000, टोटल फीस 7,000। क्लास का सीट प्रोसेस
इस प्रकार के है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।